सुयश शर्मा केकेआर के गेंदबाज है और केकेआर के गेंदबाज ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा किया है सुयश शर्मा ने, केकेआर के लेग स्पिनर है, उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। चलिए आपको बताते हैं वो खुलासा क्या है। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा सबसे मुश्किल बल्लेबाज है गेंदबाजी करने के लिए, उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है थोड़ा सा बॉल को खेलने के लिए, वो एक्स्ट्रा सेकंड जिसकी चर्चा कई बार विराट कोहली भी अपने इंटरव्यूज में कर चुके हैं कि भाई रोहित के पास वो एक्स्ट्रा सेकंड है यहाँ पर जो उनको बहुत ही शानदार बल्लेबाज बनाता है, उनको गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसा कहना है सुयश शर्मा का। और साथ ही साथ एज अ फैन मोमेंट एज वेल एज आई लाइक हिज बैटिंग, मुझे उनकी बल्लेबाजी बहुत ज्यादा पसंद है। और कहीं ना कहीं और उनका जो सेलिब्रेशन है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है कि आजकल कुछ ज्यादा सेलिब्रेशन करते नहीं है रोहित शर्मा, साल 2015-16 में बहुत सेलिब्रेट करते थे अपने माइलस्टोन्स को, शतकों को, दोहरे शतकों को। तो ये इस बात का खुलासा तो रोहित शर्मा ने कर दिया था खुद ही कि भाई अब मुझे शतकों से या दोहरे शतकों से फर्क नहीं पड़ता है, मेरा सिर्फ एक टारगेट है वो है ट्रॉफी जीतना, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप की, जो उनका सपना टूटा। लेकिन सुयश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि उनके करियर में अभी तक सबसे टफेस्ट जो बल्लेबाज जिनको उन्होंने गेंदबाजी की है वो है यहाँ पे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा।